तो करें स्टार्ट। चैप्टर का नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। ये यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है, ये यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है और यूनिट नंबर 5 में इकलौता चैप्टर है, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर चार टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑडिट, दूसरा देखने को मिलेगा टैक्स ऑडिट, तीसरा देखने को मिलेगा आपको सोशल ऑडिट, और चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट, ये चार टॉपिक देखने को मिलेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आप अगर शुरू के 3 टॉपिक कर लेते हो और मैनेजमेंट ऑडिट को आप छोड़ देते हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन करेंगे तो चारों करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट ऑडिट की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कॉस्ट ऑडिट। क्या होता है कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट कंप्राइजेस 2 वर्ड्स, दैट इज कॉस्ट एंड ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड क्या होता है कॉस्ट और दूसरा वर्ड होता है ऑडिट। तो पहले कॉस्ट ऑडिट को समझने के लिए पहले अपन कॉस्ट की मीनिंग समझते हैं और ऑडिट की मीनिंग समझते हैं अलग अलग, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑडिट क्या होता है उसको देखेंगे। द टर्म कॉस्ट मींस सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विस। आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने जाओगे तो प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को अगर आप जोड़ देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। या फिर अगर सर्विस की बात करूं तो आपको इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्या सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये सर्विस प्रोवाइड करने में मेरे को जितनी भी कॉस्ट आ रही है उन सारे खर्चों को अगर मैं जोड़ दूं तो सबको क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे किए जाते हैं उन सारे खर्चों के सम को क्या बोलते हैं, कॉस्ट, ठीक है। द टर्म ऑडिट मींस द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन। क्यों करते हैं एग्जामिनेशन, कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या इंश्योर कराएगी, कि वो जो क्या कर रही है, रिवील कर रही है, रिवील मतलब प्रेजेंट कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मैंने अभी कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करने के पहले कॉस्ट का मतलब बताया आप लोगों को और क्या का मतलब बताया, ऑडिट। कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करोगे तो उसको प्रोड्यूस करने में जितने भी खर्चे लगते हैं उनका टोटल, और ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन, ताकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो इंश्योर करे कि वो जो दिखा रही है, जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ट्रू एंड फेयर है, क्लियर है मेरी बात। देयरफोर द वर्ड कॉस्ट ऑडिट मींस, अब मुद्दे की बात, therefore the word cost audit means examination of cost books and cost records to ensure the correctness of cost account, appropriateness of cost accounting system, true and fair view of cost of production etc. cost audit ka matlab kya hota hai, cost audit means examination, cost audit bhi kya hai, ek prakar ki examination hai, kahe ki कॉस्ट के बुक्स की और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स की। कॉस्ट अकाउंट की बुक्स, भाई कॉस्ट अकाउंट मतलब होता क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है तो किसी चीज को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे कि नहीं, तो उसका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो एंश्योर कराता है कि जो कॉस्ट अकाउंट है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, अप्रोप्रिएट है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके निकाला गया है वो क्या दिखा रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। तो ये पॉइंट आपको लिख कर आना है। तो मतलब एक जनरल डेफिनेशन हो गई कि कॉस्ट अकाउंटिंग मींस व्हाट, सॉरी कॉस्ट ऑडिटिंग मींस व्हाट, कॉस्ट ऑडिट मींस एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। क्लियर है आगे। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेनी वेज। कॉस्ट ऑडिट जो है वो मैनेजमेंट को बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से मदद करती है।
सच एज इन प्राइस डिटर्मिनेशन, अवॉइडिंग वेस्टेजेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेस एंड सेल्स, इन एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा। कॉस्ट ऑडिट जो है मैनेजमेंट को किस किस तरीके से मतलब हेल्प कर सकती है, तो कैसे हेल्प कर सकती है, किसी चीज का प्राइस डिटरमाइन करने में, वेस्टेज जो हो रहे उसको अवॉइड करने में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स और इन एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा। इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट जो है हेल्प कर सकता है मैनेजमेंट। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशंस। द टर्म कॉस्ट ऑडिट इज डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड चेक ऑन द एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। एडहेरेंस वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। एडहेरेंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग। अगर आप उसको जनरल टर्म्स में बोलोगे तो अकॉर्डिंग। अब इसको वापस से पढ़ो, एडहेरेंस वर्ड को अकॉर्डिंग पढ़ना। अब वापस से उस डेफिनेशन को पढ़ो, क्या बोलता है, द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड चेक ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड द चेक ऑन द एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। यहां पर एडहेरेंस का मतलब अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग को यहां फिट करूंगा ना तो सही मीनिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है, सुनो, इसका मतलब यह है, अकॉर्डिंग उसका मतलब होता है लेकिन वो सही जगह नहीं है रखने की। तो मैं इसको वापस से एक बार पढ़ के बता रहा हूं, द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट का वेरिफिकेशन, इन ऑर्डर टू चेक वेदर द कॉस्ट अकाउंट्स आर अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। हरी बात सुनने, इसका अगर मैं दूसरे वर्ड्स में समझाना चाहूं तो इसका मतलब वो है, मतलब कॉस्ट अकाउंट को वेरीफाई करो, और वेरीफाई इस टर्म्स में करो कि जो आप कॉस्ट अकाउंट बना रहे हो वो अकॉर्डिंग टू किसके रहे, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान से रहे, आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लान बनाए ना उसके अकॉर्डिंग वो रहे। क्लियर है मेरी बात? आगे तो ये डेफिनेशन कौन दिया है, ICMA लंदन। ये मैंने अपने मन से डेफिनेशन नहीं बनाई है, ये ICMA लंदन की है। ठीक है, आगे द टर्म कॉस्ट ऑडिट मींस द डिटेल चेकिंग ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम टेक्निक्स एंड अकाउंट टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड टू एंश्योर एडहेरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एडहेरेंस वर्ड फिर आ गया। आपको क्या करना है, यहां पर एडहेरेंस वर्ड को अकॉर्डिंग समझना है लेकिन एडहेरेंस लिखना पड़ेगा। अब दो चार बार मैं एडहेरेंस वर्ड यूज कर दिया तो आपके दिमाग में आ जाएगा वर्ड। क्या लिखा है पढ़ो, कॉस्ट ऑडिट मींस डिटेल्ड चेकिंग। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड चेकिंग होता है। किस चीज की डिटेल्ड चेकिंग, कॉस्टिंग सिस्टम की। टेक्निक्स एंड अकाउंट टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड टू एंश्योर द एडहेरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स ऑफ ये सब अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव से है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया आपका क्या, ये किसने दी है डेफिनेशन, स्मिथ एंड डे ने। तो दो डेफिनेशन अगर आ गई तो आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑडिट की मीनिंग और कॉस्ट ऑडिट के डेफिनेशंस। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट के तीन फंक्शंस होते हैं। कॉस्ट ऑडिट के कितने फंक्शन होते हैं, तीन फंक्शन होते हैं। अगर आप ये तीन फंक्शन याद कर लेते हो ना तो आप मीनिंग और डेफिनेशन अपने मन से भी लिख कर आ सकते हो। डेफिनेशन तो चलो वो तो याद करके जानी पड़ती है, मीनिंग आप अपने मन से लिख कर आ सकते हो। मतलब फंक्शंस बोलने का मतलब कॉस्ट ऑडिट सामने वाला कभी कराता है तो उसके पीछे तीन मेन पर्पस होते हैं, या कॉस्ट ऑडिट के तीन फंक्शंस होते हैं। पहला क्या होता है, सुनो, टू वेरीफाई दैट द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सच एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट रिपोर्ट एटसेट्रा हैव बीन मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट रिपोर्ट्स है, वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन किए गए नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन करना, ये कॉस्ट ऑडिट का पहला फंक्शन है।
दूसरा फंक्शन टू वेरीफाई वेदर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लान्स प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. क्या ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं कि नहीं, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग का काम हो रहा है, जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती है, उसने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लान्स को, प्रोसीजर को और अपने फर्म के जो ऑब्जेक्टिव है उसको उसने फॉलो किया है कि नहीं किया है. तो कॉस्ट ऑडिटिंग ये इंश्योर कराता है. क्लियर है. तीसरा, टू डिटेक्ट एरर एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट. कॉस्ट ऑडिट और क्या इंश्योर कराता है कि एरर्स को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना और किसी भी प्रकार के मिस अप्रोप्रिएशन को प्रिवेंट करना कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट अकाउंट बनाते समय. तो तीन फंक्शन है. पहला फंक्शन क्या है ऐसी जनरल भाषा में, इसका आप नहीं पढ़ते, ऐसी तीन फंक्शन ऐसे ही पढ़ लेते. पहला जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या आ जाता है, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार मेंटेन किए गए हैं कि नहीं. पहला. दूसरा, जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लान, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. और तीसरा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड है या एरर है उसको प्रिवेंट और डिटेक्ट करना और किसी प्रकार के मिस अप्रोप्रिएशन को रोकना. क्लियर है मेरी बात. तो ये सब किसका काम है, कॉस्ट ऑडिट का, और कॉस्ट ऑडिट इसीलिए किया जाता है. क्लियर है. यहां तक किसी को कोई डाउट कॉस्ट ऑडिट के बारे में कुछ आ गया मान लो तो थोड़ा बहुत तो लिख पाओगे. स्टार्ट वहीं से ही करना कि कॉस्ट ऑडिट जो है उसके अंदर दो वर्ड्स होते हैं, कॉस्ट और ऑडिट. कॉस्ट को समझा देना, ऑडिट को समझा देना, फिर कॉस्ट ऑडिट को समझा देना, आपका आधा एक पेज यहीं खत्म. उसके बाद दो डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दो दो लाइन की, ये याद रख लेना. उसके बाद फंक्शंस बता देना, तो आपका पूरा एक इंट्रो वाला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा. अब कॉस्ट ऑडिटिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कॉस्ट ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑथेंटिसिटी. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑथेंटिसिटी. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एडिक्वेसी. तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपैरिजन. चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर. पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस. छठवा ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सातवां ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकंसिलिएशन. और आठवां ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग. मैं अगर आपके जगह स्टूडेंट रहता ना तो मैं क्या करता मालूम है, एक पेज लेता, कॉस्ट ऑडिट की समरी बनाना स्टार्ट कर देता. ऊपर का इंट्रोडक्शन का, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख के मैं डैश डैश कर देता, क्योंकि वो याद हो गया, उसको पढ़ने का दोबारा जरूरत है क्या, नहीं है. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैं नीचे एक लाइन लिखता डेफिनेशन, और दोनों डेफिनेशन लिखता उस पेज में, क्योंकि वो याद करके जाना है, रट के जाना है. फिर उसके बाद मैं फंक्शन के की पॉइंट्स बस लिख लेता, फंक्शंस की पॉइंट्स. क्लियर है. चौथे नंबर पर मैं लिखता ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ वो आठ के पॉइंट बस लिख लेता. तो ऐसे समरी बनाई जाती है. क्लियर है मेरी बात. समरी अगर बनाना है आपको तो आपको जो चीज जनरल होती है, जनरल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, एक बार रीड करो दिमाग में बैठ जाता है, अपने मन से भी लिख सकते हो आप. और जो चीज स्पेसिफिक होती है उसको लिखना पड़ेगा. स्पेसिफिक मतलब जैसे डेफिनेशन, वो याद रख के जाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन, तो इसके जो बाकी सारी चीजें तो जनरल है, लेकिन इसके की पॉइंट्स क्या है, स्पेसिफिक है, तो वो लिखना है, वो याद करके जाना है. ठीक है, बाकी आगे पीछे की भाषा आपकी चेंज हो सकती है, चलेगा, लेकिन जो की पॉइंट्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, आपको ये आठ पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए कागज. तो इस तरीके से क्या बनती है, समरी. तो एग्जाम टाइम पे जब जाओगे तो आपको सिर्फ समरी पढ़ना है, किसी भी प्रकार का नोट्स वोट पढ़ने का जरूरत नहीं. अब मैं बोल रहा हूं जैसे ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग. ऑथेंटिसिटी वर्ड बना है ऑथेंटिक से. ऑथेंटिक मतलब ट्रस्टवर्दी, कि आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, है ना. पढ़ते हैं क्या लिखा है.
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, मतलब जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया फर्म ने वो भरोसेमंद है, उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार का एरर नहीं है, किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है. कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बुक्स, स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स टू चेक वेदर द एबो डॉक्यूमेंट रिवील द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑथेंटिसिटी. दूसरा एडिक्वेसी. एडिक्वेसी मतलब एडिक्वेट वर्ड से क्या बना है, एडिक्वेसी. एनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एंड टू सी वेदर प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉस्ट एंड अकाउंटिंग मेथड इज अप्लाइड और नॉट. मतलब आपको एडिक्वेसी ये बताता है कि एडिक्वेसी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया गया सारे डॉक्यूमेंट क्या एडिक्वेट है. अब वो डॉक्यूमेंट एडिक्वेट कैसे होंगे भाई, जब आप अगर सारे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करोगे, तो सीधी सी बात है उस प्रिंसिपल और उस मेथड से जो डॉक्यूमेंट जनरेट होकर निकलेंगे वो एडिक्वेट होंगे. क्लियर है मेरी बात? ये हो गया एडिक्वेसी. ऑथेंटिसिटी मतलब ये भरोसेमंद है कि नहीं. एडिक्वेसी मतलब जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है कि नहीं. उसके बाद कंपैरिजन में दो वर्ड याद रखना, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन. जो कॉस्ट रिकॉर्ड बने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो बने हैं, अब उसका ऑडिट अगर हो गया है, कॉस्ट ऑडिट मतलब वो क्या हो गया, अगर किसी कॉस्ट रिकॉर्ड का कॉस्ट ऑडिट हो गया तो वो ऑथेंटिक भी हो जाएगा और एडिक्वेट भी हो जाएगा. तो मतलब आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं कॉस्ट से रिलेटेड वो ऑथेंटिक भी और एडिक्वेट भी है. अब आप अपने डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अपने ही पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, पिछले साल में इतना काम किया था तो इतना प्रॉफिट हुआ था, इतने मेरी प्राइस पड़ रही थी, तो इस साल मेरा क्या पोजीशन है. तो आप जो अपने ही आपके पिछले साल के डेटा से कंपेयर कर रहे हो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन. उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन. और आप अपने रिकॉर्ड्स को किसी और फर्म से कंपेयर करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर फर्म कंपैरिजन. तो पढ़े कंपैरिजन में क्या लिखा है, कॉस्ट ऑडिट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन पीरियड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर पीरियड. एक पीरियड से दूसरे पीरियड से कंपेयर करवाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू फैसिलिटेट इंटर फर्म एज वेल एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इंटर और इंट्रा का मतलब समझ में आ गया, इंटर मतलब अपना दूसरे के साथ कंपेयर करना और इंटर फर्म मतलब अपना ही अपने पिछले साल के रिकॉर्ड से कंपेयर करना, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन इंट्रा और इंटर. उसके बाद कॉस्ट ऑडिट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर. सीधी सी बात है भाई, जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तभी तो सामने वाले को लग रहा है गड़बड़ी है, तो उसका क्या करवाएगा, वो ऑडिट करवाएगा. कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड एनेबल्स टू टेक अप एप्रोप्रिएट एक्शन. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट. भाई कोई भी यूनिट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि इस चीज का क्या हम प्राइस चार्ज करें. आ रही बात समझ में? जैसे आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता. और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट के फैक्टर्स को लेते हैं, कॉस्ट के एलिमेंट को उठा के बीईपी निकाला जाता है. बीईपी का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. तो आपको अगर कॉस्ट आपकी सही पता नहीं होगी तो आपको आपका बीईपी नहीं पता चलेगा, या पता चलेगा तो गलत बीईपी पता चलेगा, और गलत बीईपी पता चलेगा तो आप गलत डिसीजन लोगे. हो सकता है कि बीईपी आपका ज्यादा है और आप बीईपी से नीचे अपनी प्राइस सेट करके रख दिए, तो लॉस में जाओगे कि नहीं जाओगे. तो इसलिए ऑडिट करा के आपके कॉस्ट रिकॉर्ड सही हो गए तो आप अपना सही बीईपी कैलकुलेट कर पाओगे. अब सही बीईपी कैलकुलेट कर पाओगे तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या कर पाओगे, सही फिक्स कर पाओगे. क्लियर है मेरी बात? अगर आपको आपकी कॉस्ट ही नहीं पता, अब मान लो कोई होटल वाला है, होटल वाला समोसा बनाने में 18 रुपए खर्चा आ रहा है और मार्केट में बेच रहा है 15 रुपए में. क्यों? क्योंकि मार्केट में बिकता है 15 रुपए में, तो वो भी बेच रहा है और खर्चा कितना आ रहा है, 18 रुपए. तो क्यों, उसको अपनी कॉस्ट निकालने नहीं आ रही है. तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट से कॉस्ट अकाउंट क्या हो जाते हैं, ऑथेंटिक हो जाते हैं, एडिक्वेट हो जाते हैं, ठीक है, सारे एरर्स वगैरह दूर हो जाते हैं. इसलिए आप उससे एक, आप जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जब डिटरमाइन करोगे तो वो एकदम उचित प्राइस मतलब अच्छी मतलब एप्रोप्रिएट आप प्राइस चार्ज कर पाओगे. क्लियर है? कॉस्ट ऑडिट प्रोवाइड विद द बेसिस ऑफ फिक्सिंग प्राइजेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट
कीपिंग इन माइंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. आगे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. कॉस्ट ऑडिट जब होता है ना तो कॉस्ट ऑडिटर है ना एक एक चीज चेक तो करता है, साथ में देखता है कहीं पे किसी प्रकार का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है. यहां पे 10 रुपए का सामान लगना चाहिए, भाई ने 20 रुपए का लगा के रखा है. तो कॉस्ट ऑडिट होते होते समय वो बहुत सारे वेस्टेज को अवॉइड करने का काम करता है कि यहां पे फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा है. तो फालतू खर्चा वेस्टेज जब आप रोकना चालू कर दिए अपना, तो उससे आपके रिसोर्सेज का क्या होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा. क्लियर है मेरी बात? अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करोगे आप अपने रिसोर्सेज का, तो अल्टीमेटली आपका फर्म क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी. कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो एनेबल्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन एक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, समझने की कोशिश करो. रिकंसिलिएशन, आप लोग रिकंसिलिएशन वर्ड सुने होंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन क्लास 11th. लेकिन यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पर रिकंसिलिएशन की बात हो रही है कॉस्ट प्रॉफिट की टू फाइनेंशियल प्रॉफिट. रिकंसिलिएशन किसका किसका हो रहा है यहां पे, कॉस्ट प्रॉफिट का और फाइनेंशियल प्रॉफिट का. इसका मतलब क्या है सुनो, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी के दो डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट. एक ही कंपनी है और उसके दो डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट, यहां पर यहां का हेड कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, और यहां का जो हेड होता है कौन होता है, फाइनेंस मैनेजर. तो यहां यहां पर अकाउंटिंग कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट मान लो बैठा यहां पर अकाउंटिंग कर रहे हैं. पूरा अकाउंटिंग मतलब पूरी कॉस्ट की, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों की रिकॉर्ड मेंटेन करता है कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट. और वो कहां बैठा हुआ है, प्रोडक्शन में. तो ये भाई है ना कॉस्ट शीट बनाया. कॉस्ट शीट जानते हो ना, सेकेंड ईयर में पढ़े हो आप लोग. कॉस्ट शीट बनाया, कॉस्ट शीट में जानते हो लास्ट में प्रॉफिट आता है और सेल आता है लास्ट में, कि आपकी चीज इतने में बनी, इतने में बेचे तो इतना प्रॉफिट हुआ. तो ये प्रॉफिट कौन निकाल कर बता रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता रहे. और यहां पर फाइनेंस मैनेजर बैठा है, यहां पर एक और अकाउंटेंट बैठा है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट बोलते हैं, वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो भी नेट प्रॉफिट निकाल के बैठा हुआ है. कंपनी एक ही है, प्रॉफिट निकालने वाले दो. प्रोडक्शन यूनिट में बैठा है कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट की चीजों को लेकर प्रॉफिट निकाल के बैठा है, और वो जो बैठा है वो कौन है, फाइनेंस मैनेजर. और वो किसके हिसाब से प्रॉफिट निकाला है, वो ओवरऑल पूरे फर्म का प्रॉफिट निकाल के बैठा है. तो मेरा बोलने का मतलब है कॉस्ट, जो प्रोडक्शन यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंसीडर करता है, इसलिए वो बाकी की चीजों को इन्वॉल्व नहीं करता. तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड प्रॉफिट होगा. लिमिटेड प्रॉफिट मतलब लिमिटेड टू द प्रोडक्शन यूनिट. लेकिन जो फाइनेंशियल, जो फाइनेंस वाला प्रॉफिट निकला हुआ है, ये वाला जो फाइनेंस डिपार्टमेंट निकाला है, वो ओवरऑल पूरे कंपनी एज अ होल पूरा प्रॉफिट कंसीडर करता है. मतलब एक एक चीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उसको भी कंसीडर करता है. तो इसलिए जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो किसका होना चाहिए, ठीक है. और कॉस्ट प्रॉफिट जो है, अब मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रॉफिट निकाल के बैठ गया कितना, 1,00,000 रुपए, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट निकाल के रखा 80,000 रुपए. कंपनी एक ही है तो इसके बीच में डिफरेंस क्यों आ गया, इसके बीच में डिफरेंस क्यों आ गया, इस डिफरेंस की जानने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिकंसिलिएशन. तो कॉस्ट ऑडिट अगर सही हुआ है तो आपको कॉस्ट प्रॉफिट भी सही पता चलेगा. अब कॉस्ट प्रॉफिट सही पता चलेगा तभी तो आप उसको कंपेयर करोगे, रिकंसाइल कर पाओगे. गलत प्रॉफिट पता रहेगा तो कैसे आप उसको रिकंसाइल करोगे, आ रही बात समझ में. तो कॉस्ट ऑडिट इसलिए रिकंसिलिएशन में भी हमारी हेल्प करता है. उसके बाद बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग. बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंट में एक चैप्टर पढ़ा होगा बजट. बजट में क्या पढ़ते थे, आपने एक्चुअल में जो प्रोडक्शन किया है उसके बेस पे आप फ्यूचर में बजट बनाते थे, फॉरकास्टिंग करते थे कि आज आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो इतना इतना खर्चा आया है, तो फ्यूचर में आप 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, 3000 का करोगे, 4000 का करोगे, या अभी आप 50% कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो 60-70-80% में काम करोगे तो कितना खर्चा आएगा. तो आपको फ्यूचर प्लान करने में बजट मदद करता है. अब आपका आज का एक्चुअल ही आपका गलत बना हुआ है डेटा,
तो एक्चुअल ही गलत डेटा बना है, तो फ्यूचर में जो आप फॉरकास्टिंग करोगे तो सही कर पाओगे? तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट अगर हो गया है किसी कॉस्ट रिकॉर्ड का, तो वो हमारे लिए ऑथेंटिक है, एडिक्वेट है, एरर फ्री है, तो उससे आप क्या कर पाओगे? फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो हमारे लिए बेसिस तैयार करता है, बेसिस। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। तो 8 पॉइंट बोलकर बता सकते हो आप लोग। चलो पहला पॉइंट क्या है, ऑथेंटिसिटी, दूसरा एडिक्वेसी, तीसरा कंपैरिजन, चौथा डिटेक्शन ऑफ एरर, पांचवा रिकंसिलेशन, छठवा सातवा आठ पॉइंट है ना टोटल, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस और एक और एक एक पॉइंट भूल गए आप लोग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप लोगों को है ना साथ साथ में समरी बना लेनी चाहिए। अभी नहीं बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब रिवाइज करोगे तब समरी बना लेना। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक मिनट में आप लोगों को अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था ना एक बार उसमें लेकर आ रहा हूं। पढ़ो क्या लिखा है, वॉट इज कॉस्ट ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, वॉट इज कॉस्ट ऑडिट, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिख कराओगे, मीनिंग जो बोला बताया, डेफिनेशन और उसके तीन फंक्शन, ये पूरा आपका मीनिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, तो ये 8 पॉइंट। अब मैं समझाने के लिए जो लिखा उसमें दो दो लाइन लिखा, आप थोड़ा सा बढ़ा देना उसको लिखते समय ताकि पेज थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट आपसे पूछ रहे हैं। अब एडवांटेजेस मान लो अगर क्वेश्चन में ये नहीं आया तो ये पार्ट तो सब में कॉमन ही है। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है सुनो, अभी अपन ने ऑब्जेक्ट कर लिया ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑडिट सेंटर क्या होता है वो पूछ सकता है आपसे, क्लियर है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट, ये कॉस्ट ऑडिट सेंटर में ही इसी का ही आगे है वो, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट पूछ सकता है सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछ सकता है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट जो अभी बताया मैं आप लोगों को, उसके बाद आपको बोल सकता है एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पूछ सकता है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। उसके बाद स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो, मैंने यहां पर दिया अपने क्वेश्चन, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट। तो इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑडिट से। तो अपन ने अभी क्या क्या कंप्लीट किया, मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स। अब अपन करने जा रहे हैं क्या, कॉस्ट ऑडिट के सेंटर्स, कॉस्ट ऑडिट के सेंटर्स। कॉस्ट ऑडिट के सेंटर करने के पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस करवाना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस। अच्छा अगर क्वेश्चन में मान लो इंपॉर्टेंस पूछ लिया, इंपॉर्टेंस तो मैंने कहीं बताया नहीं आप लोगों को, तो एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को ही उठा के क्या कर देना, इंपॉर्टेंस में लिख कर आ जाना, ठीक है। चलो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, हाँ वो तो है, कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो कॉमन पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना ही है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट को पॉइंट वाइज ना बता के कैटेगरी वाइज समझाया गया है। एडवांटेजेस सिर्फ एक जन को नहीं हो रहा है कॉस्ट ऑडिट कराने का, एडवांटेजेस किसको किसको हो रहा है, सबसे पहला एडवांटेज किसको मिल रहा है, एडवांटेज मतलब फायदा किसको मिल रहा है, मैनेजमेंट को। दूसरा किसको मिल रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट को। तीसरा किसको मिल रहा है, कॉस्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। उसके बाद शेयर होल्डर्स, उसके बाद किसको मिल रहा है, कस्टमर को। उसके बाद किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को। चलो लाइन से देखते हैं, सबसे पहले एडवांटेज किसको मिल रहा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होती है, जो डिसीजन लेती है, जो फर्म चला रही है। मैनेजमेंट मतलब ओनर भी हो सकता है फर्म का, हाँ। तो मैनेजमेंट कोई दिक्कत रहता है एरर फ्रॉड मत हो, इट हेल्प इन रिवीलिंग एरर फ्रॉड एंड इनकंसिस्टेंसीज। कॉस्ट ऑडिट, अभी जिसकी जहां जहां इट लिखा रहेगा मतलब बात किसकी हो रही, कॉस्ट ऑडिट की हो रही है। इट हेल्प इन रिवीलिंग एरर्स, फ्रॉड एंड इनकंसिस्टेंसी, ये तीन चीज को खोजने में मदद करता है, एरर फ्रॉड और इनकंसिस्टेंसीज। उसके बाद इट ब्रिंग्स रियलाइबिलिटी इन कॉस्ट रिपोर्ट्स,
कॉस्ट रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी लाने में हमारी मदद करता है। इट ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और प्रोसीजर होता है उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव टूल इन कॉस्ट कंट्रोल, इट फैसिलिटेट्स इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये पांच पॉइंट है जिसका फायदा किसको मिल रहा है, मैनेजमेंट को मिल रहा है। मैनेजमेंट को इस तरीके से फायदा मिल रहा है कॉस्ट ऑडिट से। पहला क्या था, एरर फ्रॉड और इनकंसिस्टेंसी को रिवील कराता है, कॉस्ट रिपोर्ट की रिलायबिलिटी मेंटेन करता है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और प्रोसीजर में क्या लाता है, इंप्रूवमेंट लाता है, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल को इफेक्टिव बनाता है, उसके बाद इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है, क्लियर है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वर्ड सुन के आपके दिमाग में कॉस्ट ऑडिटर नहीं आना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट वो कौन होता है जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाता है, और कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है जो कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा किए गए काम को चेक करता है। तो कॉस्ट ऑडिटर किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट को मदद करता है अपनी ऑडिट से। कॉस्ट ऑडिट एक्ट एज अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट। भाई कॉस्ट अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, तो कॉस्ट ऑडिटर जब आएगा ऑडिट करेगा कॉस्ट की, तो उससे क्या होता है, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, चेक करता है। तो परफॉर्मेंस को चेक करेगा, उसमें जो भी कमी पेशी है बताएगा, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट को मिलेगा, ताकि अगली बार से वो गड़बड़ी ना करे उस टाइप की। उसके बाद अगला, इट हेल्प्स द कॉस्ट अकाउंटेंट इन इंप्रूवमेंट ऑफ कॉस्ट मेथड एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ कहीं कमी हो रही है कॉस्ट रिपोर्ट बनाने में, कॉस्ट के कोई प्रकार के मेथड लगाने में, तो कॉस्ट ऑडिटर जो होता है उसको उसको क्या कराता है, उस चीज में इंप्रूवमेंट लाने में मदद करता है। तो मतलब कुल मिला के कॉस्ट अकाउंटेंट का जो वर्ड वर्क होता है उसके वर्क को इंप्रूव करने का काम कराता है कौन, कॉस्ट ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग से, क्लियर है। उसके आगे अगला फायदा किसको मिलता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर किसकी ऑडिट करता है जाके, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था एक कंपनी है उसका एक कॉस्ट डिपार्टमेंट है और एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ओवरऑल पूरे कंपनी की अकाउंटिंग करता है, और कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट किसकी अकाउंटिंग करता है, कॉस्ट की। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आता है ना ऑडिट करने, तो ओवरऑल पूरे कंपनी का ऑडिट होता है। अरे वास्तव में स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आता है तो ओवरऑल पूरे कंपनी का ऑडिट करता है। अब जब कंपनी का ऑडिट करने आया तो कॉस्ट डिपार्टमेंट में भी घुसेगा वो ऑडिट करने, तो और वो मालूम है अगर यहां पर इस एरिया का ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट ऑडिटर ने करके रखा है तो उसका काम कम करेगा कि नहीं करेगा बताओ। वो रिलाय कर लेगा भाई कॉस्ट ऑडिटर कोई खेल तमाशा वाला आदमी थोड़ी है, पढ़ा लिखा आदमी जिसने ऑडिट किया है, तो हाँ भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी ने ऑडिट किया है तो एक काम करता हूँ ये जगह का ऑडिटेड है ना, तो इसलिए इधर मेरे को ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो किया है मतलब सही होगा। अरे बात समझ में। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की उस तरीके से मदद करता है। कॉस्ट ऑडिट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, हाँ ये कॉस्ट डिपार्टमेंट को ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वहां कॉस्ट ऑडिट हो रहा है। इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या कर देता है, काम को कम कर देता है, एज द डिटेल्ड वर्क इज ऑलरेडी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर क्योंकि ऑलरेडी क्या कर लिया है, डिटेल काम करके बैठा हुआ है पहले से। अब फायदा किसको मिलेगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का काम क्या होता है पहले बताओ, किसी भी फर्म में किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर का काम होता है पैसा लगाना। पैसा लगा दिया तो क्या भूल गया पैसा लगा के, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो पैसा लगाया है उसके बदले उसको क्या कमाना है, कुछ प्रॉफिट कमाना है डिविडेंड के फॉर्म में, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका फायदा होगा। अब कंपनी जो है मेन काम है उसका प्रोडक्शन का, क्योंकि पूरी कंपनी टिकी हुई है किसी चीज के प्रोडक्शन करके उसको बेचने में, तो शेयर होल्डर भी पैसा तो उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर लगाया ना, बिकेगा तो फायदा होगा, तो फायदा शेयर होल्डर को मिलेगा। मान लो एक कंपनी है जो कपड़ा जींस बना के बेचती है, मान लो एक कंपनी है जो जींस बना के बेचती है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, कपड़े खरीदना, जींस बनाना और मार्केट में बेचना। अब लोग पैसा लगा के रखे उस कंपनी में, शेयर होल्डर्स लोग, अब कंपनी जींस बना रही है उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग ही सही नहीं कर पा रही है, गलत कॉस्ट निकाल रही है, मार्केट में लॉस में बेच रही है, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, शेयर होल्डर, क्योंकि उनका ही पैसा लगा है। तो कॉस्ट ऑडिटर आएगा, देखेगा सब एरर्स वगैरह दूर करेगा, बोलेगा नहीं आपका इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, उसको दूर करो, कॉस्ट अकाउंट सही नहीं बन रहा है आपका, प्राइस सही नहीं निकाल रहे हो, ये
ये सब चीज आके चेक करेगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर जिनका पैसा लगा है। उसके आगे इट हेल्प इन इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्रीजेस द रिलायंस ऑफ द रिलायंस मतलब रिलायंस कंपनी का नाम रिलायंस नहीं, रिलायंस मतलब भरोसा होता है इसका मीनिंग। इट इंक्रीजेस द रिलायंस ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू कॉस्ट। ये भरोसा बढ़ाता है शेयर होल्डर का कि हाँ भाई यहां पर जो इन्वेंट्री रखी गई, स्टॉक रखा है, उसकी वैल्यू सही लगाई होगी, क्योंकि क्या हुआ है इसका कॉस्ट ऑडिट होकर रखा हुआ है। अब कस्टमर्स को कैसा फायदा मिलेगा, कस्टमर्स को कैसा फायदा मिलेगा भाई? कस्टमर अभी मैंने जींस की कंपनी का एग्जांपल लिया, अब जींस की कंपनी का एग्जांपल लिया तो आप गलत कॉस्ट निकालोगे तो हो सकता है कि आपकी चीज 800 में बन के तैयार हो रही है फॉर एग्जांपल, और आपने हिसाब लगाया 1000 में बनी, 200 ज्यादा लगा के रखे रेट, तो मार्केट में उसको ज्यादा में बेचोगे, 1000 में बनी तो 1200 हिसाब से बेचोगे, लेकिन एक्चुअल में बन कितने में रही है, 800 में। तो आपने गलत कॉस्ट अकाउंट बनाए, तो गलत कॉस्ट अकाउंट बनाने के चक्कर में आप कस्टमर को गलत प्राइस पे बेच रहे हो, और कॉस्ट ऑडिट हुआ है, कॉस्ट ऑडिट होके रखा है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सही चार्ज करोगे तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव आप रहोगे, कॉम्पिटिटिव मतलब लोगों को टक्कर दे पाओगे, आपकी जिनसे जो है क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और रेट भी सही मिलेगा, तो लोग आपसे लेंगे कि नहीं, तो कस्टमर को फायदा मिलेगा। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस पे आपसे सामान खरीदते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो किस पर सामान खरीदते हैं आपसे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस पे। तो सामने वाले को अगर आप कॉस्ट सही बताओगे तभी तो उसमें प्रॉफिट जोड़ के आपसे सामान खरीदेगा। अरे बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो यहां पे फिट नहीं होता है लेकिन समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैं ना टैक्स कंसल्टेंट हूं, तो मेरे पास है ना कुछ क्लाइंट्स डायरेक्ट आते हैं जो मेरे से काम करवाते हैं इनकम टैक्स का, जीएसटी का, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली आते मेरे पास। जैसे मान लो कोई बैंक का मैनेजर है, उससे क्लाइंट आएगा मेरे पास, वो भेजा, ठीक है, या फिर कोई अकाउंटेंट है जो मेरे पास क्लाइंट, लेकिन मैं क्लाइंट को नहीं जानता, मैं अकाउंटेंट को जानता हूं। तो मान लो कोई अकाउंटेंट का मैं कोई अकाउंटेंट ने मेरे पास किसी आदमी का केस लेकर आया है, बीच में कौन है, अकाउंटेंट है, ये मेरे पास मान लो एक सिंपल सी बात है आईटीआर फाइलिंग का केस लेकर आया। अब आईटीआर फाइलिंग में अब जो चार्ज कर रहा हूं अकाउंटेंट से ले रहा हूं मान लो 1000 रुपए, भैया तुम मैं काम करो तो मेरे को 1000 रुपए चाहिए, तो ये अकाउंटेंट जो है ये मेरे को 1000 दे देगा, लेकिन सामने वाले को कितना बढ़ाएगा, बढ़ा के बताएगा कि नहीं, मान लो 1500 बता रहे। अब मैं ही इसको गलत प्राइस बताऊंगा तो सामने वाले से भी वो गलत प्राइस लेगा, तो इसको इसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो अपनी कॉस्ट पर वो प्रॉफिट जोड़ के सामने वाले से रिकवर करेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन यहां पर फिट नहीं होता है वो चीज, मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस पे खरीदते हैं, तो उनको कॉस्ट बताओगे तभी तो प्रॉफिट जोड़ेगा उसके ऊपर। आ गई बात समझ में? उसके बाद एक वर्ड होता है एस्किलेशन क्लॉज, एक वर्ड होता है क्या, एस्किलेशन क्लॉज, एक मिनट ना, हेलो अभी रुक जा, मेरी क्लास चल रही है। हाँ सुनो मेरी बात, एक होता है एस्किलेशन क्लॉज, एस्किलेशन क्लॉज का मतलब बताए आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को नहीं मालूम, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाले में था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं आते करके हो सकता है जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है उनको भी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सुनो। मान लो एक ठेकेदार है, आप उसको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिए, 10 लाख की बिल्डिंग बनानी है, और बोले कि ये काम को 6 महीने के अंदर करना है, और आपने एक एस्किलेशन क्लॉज डाल दिया। एस्किलेशन क्लॉज मतलब ये होता है कि अगर आपको वो काम करने में डिले हो गया, 6 महीने से ज्यादा समय लेते हो, तो हम आपकी प्राइस में मतलब कुछ पेनाल्टी चार्ज करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा एस्किलेशन क्लॉज का दूसरा मतलब तो ये भी बोलता है कि ठीक है भैया आप 10 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो मेरे को, तो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो आप मेरे को और आपने ये चीजें बताई है, मान लो बाय चांस किसी कारण से आपके काम में डिले होता है, आपके तरफ से ज्यादा समय लग रहा है, या फिर आप बोले भैया 4 कमरा बनाना था, आप बोले इतना कमरा बनेगा,
आपके प्लान में कुछ चेंजेस आता है तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पैसा ज्यादा चार्ज करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी अपने अपने तरफ से एस्केलेशन क्लॉज लगा सकते हैं। तो जब तक कॉस्ट सही नहीं पता रहेगी तो एस्केलेशन क्लॉज लगाना सही है? तो कॉस्ट ऑडिट हमको एंश्योर कराती है कि आपकी कॉस्ट सही है, तो उसके बेस पे आप क्या लगा सकते हो आगे चल के, एस्केलेशन क्लॉज। क्या लगा सकते हो? एस्केलेशन क्लॉज।